वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जून 1984 के बारे में। जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा श्री दरबार साहिब पर किए गए सैन्य हमले को सिख इतिहास में तीसरा घल्लू भरा हमले के रूप में देखा जाता है। सेना द्वारा श्री दरबार साहिब पर टैंकों और बंदूकों से किया गया हमला भगवान के घर पर हमला था। श्री दरबार साहिब के चारों दरवाजे जो हमेशा चारों दिशाओं में खुले रहते हैं सर्व साझीवालता का प्रतीक है, जिनसे मानस की जात सभे एक पहचानों का संदेश मिलता है। जून 1984 के दौरान श्री दरबार साहिब की छाती में गोलियां भी चलाई गईं, जिन्हें दुनिया का हर सिख सर्वशक्तिमान और गुरु मानता है। भारतीय सेना द्वारा गोलियों से शलनी गुरु साहिब जी की छवियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप आज भी श्री दरबार साहिब के अंदर सजाए गए हैं, जो सैन्य हमले की गवाही का सबूत देते हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ anahat.com ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਮੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੋਂ ਬਲਕਿ ਸਭੀ ਧਰਮੋਂ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਝੰਜੋੜ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 3 ਜੂਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਯਤ ਕੀਆ। गुरु साहिब के शहादत दिवस पर सिखों द्वारा लगाए गए ठंडे पानी की शबीलों पर सेना के द्वारा बारूद की गोलियों की गोलाबारी ने सिखों की भावनाओं को और अधिक उत्तेजित कर दिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत भारत में राजा जहांगीर के क्रोध को शांत करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान था। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर को ललकार कर भारत पर मुगलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को रोकना प्रारंभ किया था। जब मुगल सरकार ने कश्मीरी पंडितों को मार डाला, उन्हें निर्वस्त्र कर डाला, उन्हें अपमानित किया, उनके धार्मिक स्थानों को, पवित्र मंदिरों को, भारत में मंदिरों को निशाना बनाकर तोड़ा गया, उस समय श्री गुरु अर्जन साहिब जी के पौत्र श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने चांदनी चौक में शहीदी देकर देश, धर्म और मानवता को बचाया था। इसी विरासत ने चमकौर साहिब के मैदानों और सरहंद की दीवारों में शहादत देकर सिख धर्म का इतिहास रचा। सिखों ने सरहंद के वजीर खान का चप्पड़चिड़ी के मैदान में सिर काटकर और 700 वर्ष पुराने मुगल साम्राज्य का अंत कर सरहंद को जीत लिया और वहीं से खालसा राज की नींव रखी। वहीं भारतीयों को पहली बार स्वतंत्रता की किरणें खालसा राज के अंदर दिखाई दी। श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमले के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल कई सवाल खड़े करता है। भारतीय सेना को जाति, धर्म, राजनीति और किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर उठकर विशुद्ध रूप से पेशेवर बल के रूप में जाना जाता है। देश को दुश्मनों से बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल हमेशा सीमाओं पर किया जाता है, लेकिन उस समय सेना का इस्तेमाल देश के किसी भी समुदाय या धर्म को निशाना बनाकर नरसंहार करने के लिए किया गया था। जून 1984 में श्री दरबार साहिब पर हुए सैन्य हमले ने देश में कांग्रेस का चेहरा तो कलंकित किया ही, पूरी दुनिया को भी शर्मसार किया। श्री दरबार साहिब पर हमले के 30 साल बाद ब्रिटिश संसद द्वारा हमले से जुड़े गुप्त दस्तावेजों के जारी होने से यह साबित होता है कि हमले के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सलाह से यह हमला किया गया था। श्री दरबार साहिब पर हमले के कुछ दिनों पहले ब्रिटिश कमांडो फोर्स द्वारा श्री हरिमंदर साहिब को बारीकी से जानने के तथ्य सामने आने से तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसे एक आजाद देश की सरकार उस विदेशी सरकार का इस्तेमाल करती है जिसने भारतीयों को 200 साल तक गुलाम बनाकर अपने ही नागरिकों और उनके धर्म का सफाया कर दिया। हर साल जून का यह सप्ताह हमें जून 1984 की याद दिलाते हुए कई सवाल और चुनौतियों के साथ छोड़ देता है। जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा श्री दरबार साहिब पर क्रूर हमला स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना, इसे याद कर आज भी हमारा दिल दहल उठता है। इस घटना ने पंजाब की राजनीति और सामाजिक जीवन को बदल कर रख दिया। एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी हर साल 3 से 6 जून की ये दर्दनाक खौफनाक घटनाएं गुनगुनाती रहती है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि यह देश एक संप्रभु धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है, यानी यहाँ की सरकारें जनहित के लिए काम करेंगी। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। जून 1984 में केंद्र सरकार के आदेश पर देश के एक बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे पवित्र गुरुद्वारा साहिब यानी श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब पर एक सैन्य हमले द्वारा देश के संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई। इस सारे मामले के ऊपर हमने यह एक विशेष वीडियो बनाया था। अगर आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट, यह विशेष वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आगे सभी के साथ शेयर जरूर करना। और भारत के संविधान में यह जो काला दिन है, इस काले दिन को उन सभी लोगों तक पहुंचाना जो आज तक इस हिस्से से वंचित हैं और जो श्री दरबार साहिब के ऊपर हुए हमले को आज भी सही ठहराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।